कढ़ी पकौड़ा, और ये है जी पिंडी चना, बैंगन का भरता, एक्चुअली में वो सब है। तो ये देखो भाई साहब, मॉलिक्यूलर ड्रिंक हमारी रेडी है, कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ता, पाइनएप्पल हलवा। भाई साहब पाइनएप्पल खाया भी लिया पहले, इतना प्यारा सजाया, बस मज़ा आ गया भाई देख के, सीरियसली कह रहा हूँ मैं। 20 से 25 हज़ार रुपये लगता है अगर आप अपनी शादी में करवाते हो तो, ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है पूरा सेटअप, मज़ेदार। और ये चॉकलेट है, स्प्रिंग रोल है, और वो है दही के शोले है, ये पनीर पापड़ी है, मोमोज, ओ माय गॉड, यार कहाँ कौन रुकेगा यार अगस्त तक, यार पहली कर लेते शादी यार, आजा 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 यार। तो भाई जैसे आप ऊपर कैप्शन पढ़ रहे हो कि भैया वेन्यू ढूंढा जा रहा है, तो मायापुरी में अगर आपको शादी करनी है, जैसे मैं भी देख रहा हूँ अपनी वेडिंग के लिए, आपको पता ही है, तो इस मायापुरी बेल्ट में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मेरे को लगा ना वो है ये लावण्या ग्रैंड। जी हाँ, तो आज हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर से कैसा बना है, कैसा है खाने का टेस्ट, क्या क्या वेराइटी है, और कितना स्प्रेड है पूरा का पूरा, और फ़ायदा भी हो रहा है मेरे को, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि 40-50 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो रहा है, सामान फालतू मिल रहा है, क्या मिल रहा है वो सब अंदर चल के दिखाता हूँ, चलिए। आजा आजा आजा, तो जो फ्री की बात कर रहा था ना, जो बेनिफिट बता रहा था, वो ये है जी मॉलिक्यूलर सेटअप, जो कि कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये लगता है अगर आप अपनी शादी में करवाते हो, तो ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है पूरा सेटअप। अगर आप 31 जुलाई तक आकर यहाँ पे अपनी बुकिंग करते हो, चाहे शादी बेशक एक साल बाद हो, पर 31 जुलाई तक अगर बुकिंग की जाती है तो ये मॉलिक्यूलर सेटअप फ्री है एकदम, एट फ्री ऑफ कॉस्ट 25 से 30 हज़ार रुपये का सेटअप है इसका। तो अब चलते हैं और दिखाते हैं आपको शुरुआत की, स्टार्टर्स में क्या है, चटपटा क्या है, सब चीज़ दिखाएंगे, आइए। तो ये देखो भाई पूरा का पूरा सेटअप लगा रखा है, ये कॉफ़ी का है और ये सूप का है, कॉफ़ी का भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, कैफ़े कॉफ़ी डे की मशीन है पूरी, ग्रीन टी कुछ भी चीज़ लोगे ना सब कुछ मिलेगा, शुगर फ्री एवरीथिंग, मतलब कि ऐसा है कि हर एक गेस्ट के लिए कुछ ना कुछ है, कोई भी इस शादी के अंदर ये गारंटी देता हूँ कि किसी भी फूफे का मुँह नहीं सूझेगा वरना हर शादी में कुछ ना कुछ नाराज़गी होती है। तो ये सूप काउंटर से, ये कौन सा सूप है, स्वीट कॉर्न सूप, एंड दिस वाज टोमेटो सूप। और ये देख भाई लाइव आइसक्रीम, आप आइसक्रीम बनवाओ बढ़िया सी, जौन सा मर्जी बनवाना है, चॉकलेट फज कुछ भी बनेगा सब बन जाएगा। क्या बेस्ट किया बनाने के लिए, वॉफल्स भी है, अरे बाप रे, तो वॉफल्स भी है बच्चों की पसंद का स्पेशली। तो अब करते हैं भैया शुरुआत, क्योंकि मीठे का काउंटर आ गया और भाई मीठा तो खाना है, तो चलते हैं दिखाते हैं। तो ये देखो भाई शुरुआत करते हैं, ये है भाई केसरी खीर, भाई साहब मतलब मीठे में वैरायटी दिखा रहा हूँ आपको, पहले मैं रस मलाई, और क्या बनाया आज, पाइनएप्पल हलवा, भाई साहब पाइनएप्पल खाया भी लिया पहले, हलवा भी आ गया तो। और ये है जी अच्छा चॉकलेट लजानिया, एंड दिस वन इज़ जलेबी एंड रबड़ी, रबड़ी साथ में आएगी बीच के, मूंग दाल हलवा, और ये है जी प्यारे प्यारे गुलाब जामुन, मज़ेदार। और तो और कुछ नहीं, ये भी नहीं कि खाने में जब बात आती है ना, तो लाइव काउंटर से एक ऐसी चीज़ है जो लोग काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। और अब ये देखो ये लाइव काउंटर है, ये क्या क्या चीज़ है, ये मैक्सिकन रैप, मैक्सिकन रैप, मैक्सिकन रैप, इसके अंदर वेजिटेबल्स वगैरह है, ये पनीर का रैप भी बन जाता है, नहीं ये कॉटेज चीज़, इसके कॉटेज चीज़, अच्छा, एंड इसके अंदर क्या है, बेस्ट से काटा है, इसको दिखाओ खोल के सर को, ओहो अच्छा, ये तवा वाला आइटम, मज़ेदार। और ये देख भाई ये एक ऐसे मतलब कि इनके वो है, इसमें स्टार्टर से भी देखिएगा ना, ये तो ड्रिंक्स हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, ये शेक्स वगैरह है, ये शेक्स वगैरह है, मोजितो है, एंड दिस वन इज़ मलाई चाप, गोल गप्पे, दही वाले गोल गप्पे, अच्छा ये सिजलर है, दही गोल गप्पे, गुपचुप चाट, पिज्ज़ा, शंघाई रोल है, मोमोज, ओ माय गॉड, मोमोज भी है। और ये इनके नॉर्मल स्टार्टर जो आपको मिलेंगे भाई साहब, मशरूम है, स्प्रिंग रोल है, और वो है दही के शोले है, ये पनीर पापड़ी है, भाई साहब मतलब कि वैरायटी की कमी नहीं है एक्चुअली में, वो सब वैरायटी जो एक वेज शादी में होनी चाहिए। आज का सेटअप पूरा वेजिटेरियन का है, और अगर आप वेजिटेरियन शादी करना चाहते हो तो आई थिंक यू शुड ट्राई दिस प्लेस, आपको आके एक बार ट्राई करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या क्या है। जब भी आप यहाँ पर आओगे तो आप स्नैक्स टेस्ट भी कर सकते हो, जब अगर कोई फंक्शन है तो पहले एक्चुअली पता होना चाहिए कि टेस्ट कैसा है, तो बस वही चीज़ करने आया आज हम। और ये नॉर्मल जो जो हर शादी में आपको मिलेगा, पर ये है कि जो लुक है जो मैं जैसे बता रहा था कि भाई 5-star लुक है, आप देखोगे ना सेटअप कितना प्यारा है, डेकोरेशन है, टेबल पे सेटअप पूरा कितना प्यारा है, एकदम नीट एंड क्लीन। और जैसे मैंने आपको बताया कि
नया लवण्या ग्रैंड है ये भाई, नया लवण्या ग्रैंड, इन्होंने अभी रेनोवेट कराया पूरा का पूरा, और इस बेल्ट के अंदर सबसे बेस्ट प्लेस है ये, जहाँ पर आप अपनी पार्टी कर सकते हो। और तो और तो 400 से 500 की गैदरिंग है एक हॉल के अंदर है, और इनके पास तीन हॉल है, तीन हॉल और प्लस अगर उसमें कितने बंदे कह रहे थे, 150 मैक्सिमम 200 की गैदरिंग कर सकते हैं, 150 से 200 के बीच, क्योंकि कोविड है और ज़्यादा लोग इतनी गैदरिंग नहीं करते आजकल, ना कोविड की वजह से छोटी गैदरिंग के लिए वो। तो भैया ऐसा है, आप मेन कोर्स दिखाते हैं और हम कुछ खाते भी, बड़ी भूख लग रही है, तो पहले स्नैक्स कुछ खाते हैं और फिर मेन कोर्स चल करते हैं। तो ये देखो भाई साहब, मॉलिक्यूलर ड्रिंक हमारी रेडी है भाई। ओहो क्या बात है, अब इसको टेस्ट किया जाए भाई, मज़ा आ गया। अब चलते हैं सीधा, मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट में क्या क्या है, और उसके बाद मेन कोर्स में देखते हैं कि एक्चुअली में क्या है, क्योंकि मुझे बड़ी क्रेविंग रहती है कि मेन कोर्स में क्या क्या है। तो पहले चार्ट दिखाते हैं। तो ये देखो भैया, पुरानी दिल्ली के छोले कुलचे, जी हाँ, ये एक ऐसा स्टार्टर का एक ऐसा आइटम है जिसके बगैर शादी कंप्लीट नहीं होती, छोले कुलचे। पर आपको तो पता ही है हमारे चैनल में छोले कुलचे बड़े आते हैं। तो अब नेक्स्ट है हमारा चीला, बेसन का चीला, मूंग दाल का चीला, क्या बात है। और इधर अपने टिक्की, फ्रेश आलू की भरवा टिक्की, मज़ेदार। ये दही पापड़ी चाट, गोलगप्पे, सब कुछ है, मतलब ऐसा आइटम आप हैरान हो जाओगे कि चाट के अंदर इतने सारे आइटम भी होते हैं और एकदम बढ़िया। भैया गोलगप्पा खिलाना, ये लो भाई गोलगप्पे भी रेडी हैं, क्योंकि शादी शुरू हो चुकी है और लोग गेस्ट आ रहे हैं, तो क्यों ना। ये ऑलिव ऑयल, ये सारा का सारा ऑलिव ऑयल के अंदर बना हुआ, जो भी आपको ऑयली जो जो दिख रहा है ना, ये लो भाई गोलगप्पा। और ये है भाई फ्रूट स्टेशन, आप देख सकते हो सारा इम्पोर्टेड इंडियन सब कुछ आपको दिखेगा, डेकोरेशन कितने बढ़िया तरीके से करी हुई है। फिलहाल तो ये फ्रूट है, ये मेरे मतलब का नहीं है क्योंकि मैं डाइट नहीं कर रहा भाई, पर लोग ज़रूर स्टार्ट करते ही इसी से ही है, मज़ेदार भाई साहब। देख प्रेजेंटेशन देखिए, कभी कभी संतरा सोचा था ऐसे भी सब होगा है, कभी संतरा सोचा ऐसे भी सब होगा भाई, मत खाया पेट खराब हो जाएगा। आप जरा एक बार देखते हैं मेन कोर्स में क्या क्या है। भैया मैं शादी कर रहा हूँ तो फूड से नो कॉम्प्रोमाइज़, तो चलते हैं देखते हैं कि मेन कोर्स में क्या क्या आइटम है। तो भैया अब बारी आती है मेन चीज़ की, जो कि है मेन कोर्स। ये सैलड बार आप देख सकते हो कि सैलड की वैरायटी है, दही भल्ला, सब कुछ चीज़ें हैं और पूरी की पूरी वैरायटी है। और डेकोरेशन सबसे मेन चीज़ है, सबसे बेस्ट चीज़ है डेकोरेशन यहाँ पे। और ये शुरू होता है हमारा चाइनीज़ भाई साहब, मतलब अब तू वैरायटी देख, सिर्फ वैरायटी देखियो, वेज हाका नूडल, वेज मंचूरियन, वेज लज़ांगिया, हैदराबादी बिरयानी वेज, पनीर मक्खन वाला, कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ता, पीस पुलाव मतलब मटर पुलाव, कड़ी पकोड़ा, और ये है जी पिंडी चना, बैंगन का भरता, सोयाबीन चाप मसाला, कढ़ाई, मकई खम, वेज जलफ्रेजी, गट्टा करी, जन्नत नुमा, ये क्या सा आइटम भाई, जो नया आइटम ही है, जन्नत नुमा, शाही कोरमा, आलू गोभी, कुरकुरी भिंडी, मतलब मैं कह रहा हूँ वेज के अंदर भी इतनी वैरायटी होती है भाई बन्नी, आज पहली बार पता चला। और ये लाइव काउंटर है आपका पास्ता का, इटालियन का, कि आपको एकदम फ्रेश बना के दिया जाएगा बढ़िया तरीके से। अब ये देख मज़ेदार एकदम, हर एक चीज़ कह रहा हूँ, मास्क पहन रखा है, हेयर कैप पहन रखा है, हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया कोविड की वजह से, क्योंकि जो सेफ्टी है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। ये जी दाल मखनी, इसके बिना तो कोई शादी पूरी नहीं होती। दाल लवण्या इनकी स्पेशल है एक्चुअली, और असॉर्टेड ब्रेड्स साथ में। ये फुल्का के लिए लाइव काउंटर्स है साथ में आपका, ये देखो दाल तड़का विद तवा रोटी, पनीर भुर्जी, एवरीथिंग। ये देख वेज टकाटक, ये सब मैं दिखाई दिखाऊँ आपको। तो भैया इतना सब देखने के बाद ना, आप मन कर रहा है कि बस एक प्लेट उठाऊं जल्दी से खाऊं, ताकि कोई देखे ना कि मेरे को इनवाइट नहीं किया गया। तो देखते हैं फटाफट खाते और निकलते, और अब आपको डिसाइड करना है कि आपको शादी कहाँ करनी है, अगर आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, क्योंकि यहाँ नॉन वेज भी मिलता है, पर ये आज शादी वेज की है। तो कोई भी इंक्वायरी करनी है, रेट क्या है, कुछ भी है, गैदरिंग एंड ऑल, कब आपको विजिट करना चाहते हो यहाँ पे देखने के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया है, आप कॉल करो, सर हमारे फ़ोन उठाएंगे और आपको पूरा असिस्ट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें कैसे प्रोवाइड की जाती है, डेकोरेशन एंड ऑल एवरीथिंग। और दूसरी चीज़ ये कि जब जयमाला होती है ना, तो वो कौन से वो होते हैं अनार, हाँ कौन सा अनार होते हो, कोल्ड कोल्ड फायर, वो भी फ्री दे रहे हैं, 6 फ्री दे रहे हैं, बल्कि एक की कॉस्ट 2500 रुपये है। जयमाला, मिल्लिहार, फूलों की चादर, सारी कॉम्प्लीमेंट्री है।
भाई मैं बता रहा हूँ 40-50 हज़ार रुपये का सामान आपका फ्री है अगर आप जुलाई 31 से पहले पहले आके बुकिंग करवाते हो, चाहे आपकी शादी अगले महीने अगले साल क्यों ना हो। तो फटाफट आओ, कॉल करो, मैं चला शादी वाला खाना खाने के लिए। आप जल्दी से मेरे को कमेंट करके ये बताओ कि जब शादी में घुसते हो तो स्टार्टर में सबसे पहले क्या खाते हो, तो हम चले टेस्ट करने। तो ये देखो भाई व्यू देखो कितना बढ़िया है इस तरफ से, एकदम मज़ेदार। जब आपके सारे गेस्ट आराम से बैठ के आपको देख रहे होंगे, ओ भाई साहब मज़ा ही आ जाएगा, एकदम 5-star लुक है पूरी मंडप सीरियसली। और ये अब चलते हैं मंडप जहाँ पे शादी होगी, जहाँ फेरे होते हैं ना वो दिखाते हैं आपको। तो ये देखो कितना प्यारा मंडप सजाया है जहाँ पे फेरे होंगे आराम से जयमाला के लिए। जयमाला तो वहीं पर होती होगी ना, है ना। तो ये पूरा डीजे लगा, देख रहे डीजे लगा हुआ है, लाइव डीजे है एकदम बढ़िया से। और स्टेज इतना प्यारा सजाया भाई, फ्लावर्स देख रहे, इतना प्यारा सजाया है, मज़ा आ गया भाई देख के, सीरियसली कह रहा हूँ मैं। मतलब कि नाउ आई कैन डिसाइड कि एक्चुअली में है सीरियसली यार, कहाँ कौन रुकेगा यार अगस्त तक यार, पहली कर लेते शादी यार। तो अब खाना खा ले, मेरे को बहुत भूख लग रही है यार, आजा जल्दी यार। तो भाई साहब ये देखो, अब ये प्लेट लग गई है, फोक एंड नाइफ, साथ में टिश्यू पेपर है, साथ में हमारा इसे क्या कहते हैं क्लॉथ नैपकिन। तो चले प्लेट, तो चलते भाई आ जाओ। तो भाई प्लेट लगा चुका हूँ मैं अपने शादी वाले खाने के, आप देख सकते हो। और ये भाई लच्छे परांठे, आ हा क्यूट सा छोटा सा लच्छा परांठा, साथ में लेते हैं बैंगन का भरता। ये मेरी एक ये मेरी पहली वेज शादी होगी ऐसी जिसमें बैंगन का भरता खा रहा हूँ। ओहो भाई इस बात की गारंटी है कि आपका कोई भी गेस्ट नाराज होके नहीं जाएगा, उंगलियां चाट के जाएगा। शादी का खाना ऐसा होता है कि पूरी ज़िंदगी ना वो याद रहता है, यार तेरी शादी में खाना बढ़िया था। पर अगर मेरी शादी में खाना बढ़िया नहीं होगा तो लोग तो बोलेंगे यार क्या फ़ायदा इतनी सारी जगहों पे खाने का, अगर खाना बढ़िया रखना ही नहीं था शादी में। तो इसीलिए ये एक ऐसा डिसीज़न है, आराम से घूमो रेकी करो कि कहाँ का खाना बेस्ट है, कहाँ की डेकोरेशन, एवरीथिंग, हर एक चीज़ देख के आपको जगह चूज़ करनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन पे नंबर लिखा है, कॉल करो, इंक्वायरी करो, और मिलता हूँ मैं आपको जल्दी से एक नई वीडियो के साथ।